अब तक के पैरेलेक्स 2 के एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा बाउंटी डैडी ने अपनी पहली टुकड़ी हीरोज को कमजोर करने के लिए भेज दी होती है। वो उसकी एक चाल होती है। ये चाल का उल्टा जवाब देने के लिए फ्रैंकलिन हेल्प लेने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स के पास निकल पड़ता है और दूसरी तरफ हीरोज अपनी पूरी शक्तियों के साथ बाउंटी डैडी के पहली टुकड़ी से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। अब आगे ये तो बहुत गलत हो रहा है हीरोज, तुम लोगों के साथ कोई बात नहीं, मेरी पहली टुकड़ी ने तुम लोगों को थका दिया है, अब बारी है बड़े दुश्मन और उसके साथ छोटी सेना। जाओ बड़े दुश्मन, सारे पैरेलैक्स एक एक करके इन मल्टीवर्स के हीरोज को दिखाओ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी ताकत क्या है, क्योंकि ये लोग हमें कमजोर समझ रहे हैं। जाओ, तुम सबको चिंता करने की कोई बात नहीं, ब्रिज के पास मैं देख लूंगा। वैसे भी ब्रिज के ऊपर ज्यादा सेना आती नहीं है और नारुतो के पास उनकी कमजोरी है, नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु। अब देखो मैं इनका क्या करता हूँ, आ जाओ मेरे क्लोन्स, हम इनको तबाह करते हैं। यहाँ पे तो बहुत कम तादाद में संख्या है, कोई बात नहीं, सारे के सारे मेरे क्लोन्स खत्म कर दो इन सबको, मुझे इन सबको मारने में बहुत मजा आएगा। जल्दी जल्दी एक एक करके सारे दुश्मनों को खत्म कर दो, इसको 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 हमला कर दो, ये एक एक करके मुझे मार रहे हैं, लेकिन नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु से इन सबको खत्म कर रहा है। हो गई ना तुम लोगों की ऐसी की तैसी, ये लो तुम लोग मुझे मारोगे। नारुतो को मारना इम्पॉसिबल है और मैं यहाँ पे आया इसीलिए हूँ कि जो भी मुझे हाथ लगाएगा मेरे क्लोन्स इन सबको खत्म कर देंगे। क्लोन्स स्पीड बढ़ाओ, ये सब के सब मुझे मार रहे हैं, एक भी इनमें से नहीं बचना चाहिए, जल्दी करो। ये क्या हो रहा है, मेरी शक्ति, मैं शैडो क्लोन जुत्सु यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ये किसकी वजह से है? ये मेरी वजह से है। ओह माय गॉड, ये कहाँ से आ गया? तुम्हें क्या लग रहा है तुम इतनी जल्दी मेरी सेना को हरा पाओगे? ये तो बस एक शुरुआत है, हम लोग बस तुम्हें चेक कर रहे हैं। ऐसी बात है, नारुतो अब अपनी असीम ताकत यूज करने जा रहा है, समनिम जुत्सु, आ जाओ मेरे मेंढक, चलो इनको बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ओह माय गॉड, एक मेंढक अब हमसे लड़ेगा? तुम्हें क्या लग रहा है ये मेंढक क्या कर सकता है, तुम्हें देखना है? नारुतो, मुझे इन लोगों से लड़ने के लिए बुलाया है, तुम्हें लगता है मैं इन लोगों को लड़ने के लिए लायक हूँ? तुम ये क्या कर रही हो, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे साथ सेमिन्यू कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो तो किया होगा, लेकिन अभी मुझे इससे लड़ना नहीं है। ये क्या कर रही हो? नहीं, अरे यार ये फिर से भाग गया, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी रास्ते है, है? ये लो। ओ, ये क्या हो रहा है? अब बहुत हो गया, तुम हीरोज हारने वाले हो, अल्टीमेट सेना आगे बढ़ो। ये क्या हो रहा है, मैं इनसे लड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश जरूर करूंगा। तुम सब लोग मुझसे नहीं बचोगे, ये ले। ये हो क्या रहा है, इन सब की संख्या बढ़ती जा रही है, मैं इनसे लड़ नहीं पा रहा हूँ, इनकी तादाद बहुत बढ़ रही है। नहीं, ये तो बस एक शुरुआत है, तुम्हें क्या लगता है बाउंटी डैडी तुम लोगों से क्या चाहते हैं? तुम लोगों से कुछ नहीं चाहते हैं, तुम्हारा शहर और तुम्हारा ग्रह तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि द बुक ऑफ बीस्ट बाउंटी डैडी को चाहिए और उसे पाने के लिए बाउंटी डैडी को नोवा जाना पड़ा था, लेकिन नोवा जाने का रास्ता तुम्हारे दोस्त फ्रैंकलिन ने खत्म कर दिया है, तो अब तुम लोग मरोगे। मैं तो इन लोगों से नहीं डरता, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब मैं हूँ एश केचम, तुम देखोगे मैं क्या करता हूँ, ये फेंका मैंने पॉकी बॉल, आ जाओ बाहर पोकेमोन। पिकाचू हमला करो, थंडरबोल्ट अटैक, ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया पिकाचू, ऐसे ही इनके ऊपर हमला करते रहो, हमें इनको पूरी तरीके से नष्ट करना है। पिकापी एक काम करो, थंडर लेजर, बहुत बढ़िया मजा आ गया, पिकाचू लाइटनिंग स्ट्राइक, पिकाचू बिजली का बवंडर, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, बिजली के बवंडर ने सारे के सारे इन लोगों को खत्म कर दिया, मजा आ गया पिकाचू, पीछे देखो स्पीड अटैक, बहुत बढ़िया, सारे के सारे सेना खत्म हो गई। तुम्हें ऐसा लग रहा है सारी सेना खत्म? ये क्या हो रहा है, ये कौन है? ये मैं हूँ, दूसरा अटैक, तुम्हें क्या लग रहा है तुम हमें हरा पाओगे? नहीं, ये छोटा सा पिद्दू पोकेमोन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? पीका पी, पीका पी। रुक
रुक जा पिकाचू, इससे ऐसे कुछ नहीं होने वाला। थंडर ब्लास्ट, सारी एनर्जी को एक साथ यूज करो। पीका पीकाचू, बहुत बढ़िया। लेकिन ये क्या, तुम्हारी पूर एनर्जी के साथ भी इनको कुछ नहीं हुआ? अब बारी मेरी है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। सेना अटैक। पीकाचू, ये क्या हो रहा है, थोड़ा संभल के, ये तो और सेना आ गई। पीका पी पीका पी पीका पी पीका पी। तुम थक गए हो, वापस आ जाओ। ये क्या हो रहा है, मैं अपना पोकी बॉल अंदर नहीं फेंक पा रहा हूँ। हम लोग तो बहुत बुरे फंस चुके हैं पीकाचू। पीका पीका पी। मैं यही चाहता हूँ कि तुम सब लोग थको, थर्ड वेव आने ही वाली है। हम यहाँ से जीत नहीं पाएंगे पीकाचू। हाँ फंतासी, मैं इन सबको खत्म कर सकता हूँ। हाँ ये ले, मुझसे तू मंगा लेगा। क्रिश से, मैं हूँ क्रिश। अब तुम देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अलग मल्टीवर्स से यहाँ पे बुलाया है। हाँ ये ले। तुम सब तो बहुत कमजोर हो, लेकिन क्रिश से ताकतवर और कोई नहीं हो सकता। ये ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जादू ने मुझे जो ताकत दी है, मैं उसका सही से इस्तेमाल करूंगा। मैं हूँ क्रिश। ऑसम, फंतास्टिक। ये ले, अब तुम देखो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, इन लोगों को तो मारना बहुत आसान हो रहा है। लगा नहीं था कि यहाँ पे आके इतना अच्छा लगेगा। मुझे जादू को भी लेके आना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगली बार लेके आऊंगा। मल्टीवर्स में मेरा पहला समय है, ये तो बहुत फंतास्टिक है। यलो, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा तादाद आ गई है, लेकिन फंतास्टिक, मजा आ गया इन सबको मारने में। क्रिश, बचोगे तुम सपनों में। अब यहाँ पे सबको निपटाना पड़ेगा, मुझसे तुम डरो, क्योंकि मैं हूँ सुपर क्रिश। फंतास्टिक, यहाँ पे कुछ है जो कि झाड़ियों में छुपे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इनको खत्म करते हैं। यले, मजा आ गया, ये तो बहुत ही ऑसम है। कोई बात नहीं, चलो इनको खत्म कर देता हूँ। मजा आ गया, तुम लोग जंगल में आओ या मंगल में आओ, लेकिन मैं हूँ क्रिश, तुम सबको दंगल कर दूंगा। फंतास्टिक, जादू की ताकत तो यहाँ पे भी काम कर रही है, मुझे लगा नहीं था मल्टीवर्स में ये काम करेगी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। मजा आ गया, ये क्या हो रहा है। ये क्या है, ये कैसी ताकत है, कोई मेरे को समझाएगा। ये मेरी ताकत है। फंतास्टिक, ये क्या, ये कौन सा चीड़िया यहाँ पे आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्रिश इसको संभाल लेगा। तुम्हें क्या लगता है, ये सेना इतनी है, ये बहुत ज्यादा है। फंतास्टिक, कोई बात नहीं, अब मेरे ऊपर कोई भी हमला नहीं कर पाएगा। तुम्हें तो मैं अपने विलन से मिलाता हूँ, ये रहे एवेंजर्स। फंतास्टिक, ये क्या, फ्रैंकलिन तो एवेंजर्स को लेने गया था, ये तो इनके साथ है। धोखा, कोई बात नहीं, अभी ना एवेंजर्स को भी मैं देख लेता हूँ। एवेंजर्स, मैं हूँ क्रिश। फंतास्टिक, जादू, जादू की ताकत मेरे साथ है, तो ये एवेंजर्स दुश्मन मेरे साथ किसी काम के नहीं है। फंतास्टिक मॉम, मैं अपनी ताकतों का सही इस्तेमाल करूंगा। ये फ्रैंकलिन ने हमसे झूठ बोला, मल्टीवर्स के हीरोज, हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये एवेंजर्स को लेने गया है, लेकिन एवेंजर्स तो खुद विलन बने हुए है। तुम्हें पता ही नहीं होगा कि ये मैनिपुलेशन है, ये हीरो तुम्हारे खिलाफ है। और तुम अब धीरे धीरे कमजोर पड़ोगे, यही तो मेरा काम है। यूनिवर्स 999 का पैरेलेक्स मैनिपुलेशन करता है। अब तुम लड़ाई में खुद ब खुद हारोगे, क्योंकि तुम्हारा भरोसा कमजोर हो चुका है, तुम्हारे भरोसे में दरार आ चुकी है। फंतास्टिक, मैं इसे नहीं लड़ने वाला हूँ, लेकिन अब क्या ही करूँ, आ गए तो लड़ना पड़ेगा। इनके बारे में फ्रैंकलिन बात कर रहा था, ये एवेंजर्स तो ये मैनिपुलेशन वाले पैरेलेक्स के पास है। ये लो बेवकूफो, ये तो गलत बात है, फ्रैंकलिन ने हम लोगों को धोखा दे दिया। सबको खत्म कर दूंगा, कोई यहाँ पे भरोसे के लायक नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है, इससे अच्छे तो डेविल्स होते हैं। चलो पोचिता, खत्म करते हैं इन सबको, चेनसॉ मैन इन सबको खत्म कर देगा। ये फ्रैंकलिन धोखेबाज है, खत्म कर दो इन सबको। अब बहुत हो गया, अब मुझे इनसे लड़ना नहीं है। जब तक फ्रैंकलिन यहाँ पे नहीं आता, तब तक मैं इन सबको मारूंगा, और उसके बाद यहाँ के सारे इंसानों को भी मारूंगा, क्योंकि धोखा, ये एवेंजर्स खुद धोखा दे रहे हैं। ये लो, अब मेरे भरोसे के ऊपर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे पोचिता के साथ, मेरे डेविल के साथ पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। ये ले बेवकूफो, कोई नहीं बचेगा, ये खाओ, कोई नहीं बचेगा, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब बहुत हो गया,
ये कमजोर मॉन्स्टर्स मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? ये क्या हो रहा है? लगता है कोई आया है। मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तुम्हें अभी भी लगता है तुम मुझे खत्म कर पाओगे? जरूर, क्यों नहीं। चेंजसॉ मैन, मेरे पास दुनिया का सबसे खतरनाक डेविल है। आ जाओ। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ सेना। ये क्या हो रहा है? शिट, नहीं हो सकता। ये इन लोगों की तादाद तो बहुत बढ़ रही है। कोई बात नहीं, पहले इनको खत्म करता हूँ और फिर तुझे खत्म करने आऊंगा। ये ले, तो की बात फ्रैंकलिन। मुझे लगा ही था सच्चाई के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, धोखा मिलता ही रहता है। अब तुम सबको मदारा उचिया से कौन बचाएगा? फ्रैंकलिन ने धोखा किया, उसके दोस्त खुद ही हमसे दुश्मन बने हुए हैं, तो हम लोग उसका साथ क्यों दें? मैंने पहले ही कहा था ऐसी चीजों से मुझे सख्त नफरत है, और अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? मैं जो करने आया था वही करूंगा। मौत का खेल, और मौत के खेल में मुझसे कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे गुस्सा इस चीज का आ रहा है, फ्रैंकलिन ने ये कहा क्यों नहीं कि उसके दोस्त भी हमारा दुश्मन है, और अगर फ्रैंकलिन के दोस्त हमारा दुश्मन हो सकते हैं, तो फ्रैंकलिन क्यों नहीं? तो इस चीज के लिए तुम सबको बहुत बड़ी रकम अदा करनी होगी मदारा उचिया से। झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है अब तुम देखोगे, क्योंकि मुझसे झूठ और झूठ मुझसे बहुत डरते हैं। बेवकूफो, तुम्हारी जितनी स्पीड है उतनी तो मैं बचपन में सोते समय भागता था। कोई बात नहीं, निंजा होने के लिए तुम सब बहुत बच्चे हो, और अब इसकी कीमत कौन चुकाएगा? क्या मैं इसकी कीमत चुका सकता हूँ? ओ जी हाँ मदारा, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मैं पहले ही गुस्से में हूँ। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम मल्टीवर्स के हीरोज अपने आप को क्या समझते हो? मल्टीवर्स के हीरोज, ये नाम से ही मुझे घिना रही है। ये लो बेवकूफो, मुझसे तुम कभी नहीं बच पाओगे। तुम ऐसा लग रहा है, पीछे देखो। एक और धोखा, और मुझे धोखे से सख्त नफरत है। तुम जो भी हो तुम अब मुझसे नहीं बचोगे। मदारा उचिया अपनी पूरी जी जान लगाएगा, और उसके लिए मुझे तुम सबका सर्वनाश करना पड़े तो भी चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हकीकत से परे हो तुम सब। ऐसे ही लड़ो और थको, और उसके बाद हम लोग का काम चालू। हम तुम्हें बाद में मरवाएंगे, तड़प तड़प के मारेंगे। तुम्हारे बीच में दरार पड़ चुकी है, अब तुम इस जंग को कभी जीत नहीं पाओगे। यही तो बाउंटी डैडी का प्लान था, धोखेबाजी। ये तो बहुत गलत हो गया है। फ्रैंकलिन ने ये कहा नहीं कि एवेंजर्स दुश्मन है हमारे। एक काम करो सारे हीरोज, मल्टीवर्स के हीरोज, हम ये लड़ाई छोड़ रहे हैं। हमें इस लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। फ्रैंकलिन धोखेबाज है, हम अपनी पुरानी जगह के ऊपर वापस आ रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे मल्टीवर्स में छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत करके क्या ही फायदा अगर हम लोग जिसके लिए लड़ रहे हैं वही धोखेबाज हो। सारे मल्टी हीरोज असेंबल, हमें वापस अपने अपने डायमेंशन में जाना होगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, फ्रैंकलिन की अकेले की है। धोखेबाज फ्रैंकलिन, आ जाओ सब लोग। फ्रैंकलिन बेटा, तुम्हें क्या हो गया? रुको, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? कहाँ पे जा रहे हो? हमारी नोवा नीचे रह गई है, उसे ऊपर आने में दिक्कत हो रही है। रुको तरा मॉम, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। नहीं नहीं, लड़ाई रुक चुकी है। मल्टीवर्स की हीरोज तो लड़ाई जारी रख रहे हैं, क्या वो मर गए? नहीं, वो जिंदा है, वो लोग लड़ाई छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन क्यों, क्या हो गया है? मुझे नहीं पता क्या हो गया है, लेकिन जो भी हो गया है मुझे जाना होगा मॉम। ओके फ्रैंकलिन, हम ट्रांसफॉर्मर्स को कहाँ पे ढूंढ सकते हैं? नोवा और मैं ढूंढ लेंगे। आप एक काम करो, नोवा के पास लोकेशन है, आप उनसे लोकेशन ले लेना और ट्रांसफॉर्मर्स को बुला लेना। मुझे नहीं लगता कि हम लोग ये जंग हार रहे हैं, सारे हीरोज ने जंग को पीछे ले लिया है। लेकिन क्यों? मुझे लगता है मैंने उनको एवेंजर्स के बारे में नहीं बताया है, और एवेंजर्स उनके खिलाफ आ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि हम लोग धोखेबाज है। फ्रैंकलिन बेटा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। आप बराबर बोल रही हो, लेकिन ये बात उन लोगों को
पता नहीं थी, ये एक धोखेबाजी हुई। फ्रैंकलिन बेटा जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा रखती हूँ, तुम उन्हें मना लोगे। ओके सही कहा, हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है गाइस। मल्टीवर्स के हीरोज वापस जा रहे अपने अपने टाइम लाइन में, हमें उन्हें रोकना होगा। आप लोग मेरा साथ दोगे प्लीज? आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी के अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें मल्टीवर्स के हीरोज को रोकने के लिए पूरी ताकत से भागना होगा, क्योंकि बहुत दूर है वो जगह जहाँ से वो अपने डायमेंशन में वापस जाने वाले हैं। और लड़ाई रुक चुकी है, क्या हो रहा है ये? आ रहा हूँ मल्टीवर्स के हीरोज, प्लीज रुक जाओ मेरे लिए, ये लड़ाई ऐसे मत छोड़ो। टीम फोर लैंटर्न आ रहा है, तुम्हें गलत फहमी हो गई है, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, अगर तुम हीरोज हो तो थोड़ी देर रुक जाओगे। चलो 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 और तेज और तेज। मैं पहुंचने वाला हूँ और तेज, मैं पहुंच चुका हूँ। रुक जाओ हीरोज, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया, तुम लोग ऐसे जा क्यों रहे हो? प्लीज ग्रीन लैंटर्न, क्या हो गया? आप तो हमारे साथ थे। फ्रैंकलिन, हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा रखा था, लेकिन तुमने एवेंजर्स के बारे में झूठ कहा। अब बहुत देर हो चुकी है, सच्चाई कहने का भी कोई समय होता है। अब ये जंग हमारी नहीं है। हीरो, क्या तुम वापस जाने के लिए तैयार हो? ऐसे धोखेबाज से मैं वापस नहीं मिलना चाहूंगा। अगर तुम मेरे यूनिवर्स में वापस आ गए ग्रीन लैंटर्न, तो मैं तुम्हें वहीं पे खत्म कर दूंगा। मुझे लगा नहीं था कि दुश्मन हमारे साथ ही है। हाँ फंतास्टिक, ये जोकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे लेके जाऊँ क्या? हाँ हो, तुम्हारे जैसे लोगों से लड़ने में मुझे कोई मजा नहीं, मैं तो जाके गोकू से लड़ लूंगा। मेरा टाइम वेस्ट किया तुम लोगों ने। मेरा पिकाचू तो मरते मरते बचा हूँ, मुझे ही पता है मैं वहाँ से कैसे निकला। जल्दी चलो यहाँ से, मुझे बहुत काम है। अगली बार मुझे यहाँ पे मत बुलाना, मुझे बहुत काम होते हैं, मैं एक होकागे जो हूँ। चलो सब लोग तैयार हो, हम लोग वापस जा रहे हैं। नहीं रुक जाओ प्लीज, नहीं मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हें एवेंजर्स के बारे में नहीं बताया, उसके लिए माफ कर दो। मैं ये जंग हार जाऊंगा, सब जगह के ऊपर तबाही ही तबाही, वो भी मेरी लापरवाही की वजह से। सारे लोग मरेंगे, पैरालेक्स इस दुनिया के ऊपर कब्जा कर देंगे, एवेंजर्स पहले ही उनके साथ है, और अब हम लोग मरने वाले हैं। हीरोज जा रहे हैं, मल्टीवर्स के हीरोज जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर्स का कोई भी अता पता नहीं है, वो क्या रहा है यहाँ पे? प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तुम लोगों को हुआ क्या है? तुम ऐसी चीजें कर क्यों रहे हो? मैंने तो तुम्हें एवेंजर्स के बारे में नहीं कहा था, तो तुम्हें किसने कहा? प्लीज। हाँ फंतास्टिक, मैं एवेंजर्स से लड़ा हूँ, मुझे पता है। लेकिन मैं नहीं लड़ा, मुझे भी पता है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। और मुझे उस पैरालेक्स ने बताया। वेनम को किसने बताया? पता नहीं, वी आर वेनम। वेट अ सेकेंड, मतलब एवेंजर्स बस क्रिस से लड़े थे, तुम सबसे नहीं, तो तुम सबको कैसे पता कि एवेंजर्स हमारे दुश्मन है? ना तो तुम्हारे पास कोई कम्युनिकेशन स्किल है, और तुम लोग अलग अलग डायरेक्शन में लड़ रहे थे। वेट अ सेकेंड, नहीं ये नहीं हो सकता। मैनिपुलेशन, एक और बार नहीं, लेकिन मैनिपुलेशन वाला पैरालेक्स तो क्रिस के सामने था, तो ये कर कौन रहा है? अब बहुत हो गया है, मेरा पूरा शहर दांव पे लगा हुआ है। फ्रैंकलिन तुम्हें सोचना होगा। वेट शिट, मैं भूल गया, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मल्टीवर्स के हीरो, तुम्हारे साथ कोई तो खेल रहा है, मुझे थोड़ा सा समय दो। अब देखता हूँ यहाँ पे, अल्टीमेट टोर्नाडो। गाइस यहाँ पे कुछ तो है, देखो चमक रहा है, मतलब यहाँ पे एक शील्ड है। शिट 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 शिट, यहाँ पे एक अदृश्य शील्ड है, मुझे इस शील्ड को तोड़ना होगा, लेकिन ये वाली ताकत काम नहीं कर रही है। कुछ तो करना पड़ेगा, अब बहुत हो गया, मुझे अपने दुश्मनों को खत्म करना ही होगा। मेरे दोस्त मेरे लिए लड़ रहे हैं, मेरे हीरोज मेरे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इनका भरोसा ही मेरी असली ताकत है, और उसी में ये लोग छेद कर रहे हैं। अगर ये हो रहा है तो मुझे भी अपनी फुल एनर्जी यूज करनी होगी। वो क्या, वो कौन है? फिर सेकेंड, तुम यहाँ पे, ये कैसे हो गया? तुम मुझे कैसे देख पा रहे हो? शिट, मेरी सुरक्षा कवच, मतलब इस दुनिया के पैरालेक्स, तुम्ही ने ये सब कुछ किया है। ये क्या हो रहा है? फ्रैंकलिन ये कौन है? ये यही पे तो था, और तुम लोगों को झूठी खबर फैला रहा था। क्रिस को ही पता था कि एवेंजर विलन है, बाकी किसी को नहीं पता था, लेकिन ये जाके सबको बता रहा था। हीरोज, अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम सब लोग लड़ाई में जाना चाहते हो या इसकी बातों में आना चाहते हो? बताओ। ये क्या हो रहा है? ये लोग नहीं मानेंगे। हाँ फंतास्टिक,
मैं जंग में जाऊंगा। कभी कभी हीरो से भी गलती हो जाती है। हा हो मदारा उचिहा को भी लगता है कि इन लोगों ने मुझे बेवकूफ बना दिया और मुझे बेवकूफ बनाने का क्या अंजाम होता है अब ये लोग देखेंगे। फ्रैंकलिन सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं एक ग्रीन लैंटर्न होने के बाद भी ये नहीं समझ पाया कि ये एक जाल हो सकती है। जंग में जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम सब लोग तैयार हो? अरे फ्रैंकलिन पिकाचू भी तैयार है। तो आप इस जग में, मैं खुद उतर रहा हूँ। चलो हीरोज चलते हैं, लेट्स गो और खत्म करते हैं इन सब की आर्मी को। सो गाइस ये था आज का एपिसोड। आप लोगों को आज का एपिसोड कैसे लगा नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और इंस्टाग्राम पे वीडियोस के अपडेट के लिए फॉलो करना मत भूलना। और आगे की स्टोरी प्रेडिक्ट करो और हमसे जुड़े रहो। तब तक के लिए बाय बाय।